गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, क्लास आपकी लाइव हो चुकी है, प्लीज ज्वाइन द क्लास। सब बच्चे लाइव हो जाएं। वी आर गोइंग टू हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज PYQs, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट सीरीज। टुडे वी आर गोइंग टू हैव द वेरी फर्स्ट क्लास इन दिस पर्टिकुलर TGT, PGT, GIC, NET set 2021, यानी कि we would be covering here grammar and यानी कि all the questions in PY previous years would be taken here. I would be providing you the particular explanation बच्चों, हम आपको explanation इसकी दे रहे होंगे और इस पर work कर रहे होंगे। जी सीमा, good evening। प्रीति, very good evening। रीना जी, explore to enjoy। गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए अपने वर्क की बच्चों शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन इस वर्क में, ज्योति वेरी गुड इवनिंग, रूबी गुड इवनिंग, आरती एकता वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए बच्चों का एंथुसियाज्म जारी है और दे आर वेटिंग फॉर दिस। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए अपने सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं। जी ज्योति, सोना गुड इवनिंग, जूली गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन आज लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ग्रामर। और बच्चों इसमें सुटेबल कंजंक्शन की बात की है। किसकी बात की है? सुटेबल कंजंक्शन पूछ रहा है। क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कंजंक्शन। करेक्ट एवरीवन। जी निशी गुड इवनिंग, दिव्या पिंकी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। जी रीना गुड, बिफोर आंसर दिया है रीना ने। ओके सब बच्चे आंसर करें। तो आपको देखो बच्चों देखना क्या है, यहां पर कंजंक्शन देखना है। कंजंक्शन वो वर्ड्स है जो जोड़ते हैं सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, क्लॉसेस को, फ्रेजेस को, है ना, इन सबको जोड़ने का काम करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। ओके ओके, एकता ने आफ्टर कहा है, प्रीति बी कह रही है आफ्टर। ओके ललिता ने ए बिफोर कहा है, जूली निशा ए। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर आप इस सेंटेंस को देखें, इस पर्टिकुलर फ्रेज को देखें, तो ये एक प्रोवर्ब है। ये क्या है बच्चों? एक प्रोवर्ब है। और इस प्रोवर्ब में क्या लिखते हैं हम? लुक बिफोर यू लीव, लुक बिफोर यू लीव। तो ये कंप्लीट फ्रेज है आपकी। ये बच्चों एक फ्रेज है, एक प्रोवर्ब है। मतलब इसका क्या हुआ? लीप का मीन्स होता है कूदना, यानी कि आगे कूदने से पहले आगे देख लो। सो लुक बिफोर यू लीप, गेटिंग एवरीवन? ये इसका बच्चों मीन्स जाता है। तो ये ऐसी फ्रेज, इसका मतलब देखो क्या निकला, हमें फ्रेजेज एंड क्लॉजेज, सॉरी फ्रेजेज एंड प्रोवर्ब्स एक्सेट्रा हमें याद रहनी चाहिए, यानी कि idioms and phrases में हमें बढ़िया वर्क करना है, तभी हम समझ पाएंगे कहां पे कौन सा वर्ड आता है, साथ में हमारा कंजंक्शन भी यहां पे बच्चों कंप्लीट होता है। करेक्ट एवरीवन? जी रूबी बिल्कुल ठीक है। कई सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, बहुत अच्छे। तो पहले सेंटेंस का, पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चों हमारा क्या जाएगा? ए जाएगा, लुक बिफोर यू लीप। गेटिंग एवरीवन? जी ज्योति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन बच्चों, कहां से आया? हमारे लिटरेचर से। क्वेश्चन बना है द एसेंशियल शेक्सपियर इज अ वर्क बाय, ये किसका वर्क है? अगर आपने देखा हो यूपी में पूछा गया बच्चों 2013 में, तो एसेंशियल शेक्सपियर, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं, तो ये किसका वर्क है? जे डोवर विल्सन का, मिडलटन मरे का, या फिर एसी ब्रैडले का, या जी विल्सन नाइट का? तो बच्चों क्या आंसर करेंगे? ओके हितेन सी कह रहे हैं, प्रीति विमल ए कह रही है, जी अनुरुद्ध ओके ठीक है, रीना वानी पिंकी सी, एसी ब्रैडले ओके, प्रीति शर्मा ए, ठीक है बच्चों। ओके रीना ने भी ए कहा है, जूली ने ए कहा है, आरती ने ए कहा है। जो बच्चे ए कह रहे हैं वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चों आंसर क्या है? आरती ए, बिल्कुल सही है, ये ए आंसर जाएगा बच्चों। सो जे डोवर विल्सन हैड रिटन दिस बुक द एसेंशियल ऑफ शेक्सपियर। मैं आपको बता दूं, एक रेनेसेंस राइटर है, यानी कि ही हैड रिटन ऑन रेनेसेंस, मॉडर्न में है वैसे तो, लेकिन रेनेसेंस पे लिखते हैं, एंड ही हैड वर्क ऑन द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। उन्होंने कई सारे वर्क शेक्सपियर पे लिखे हैं, तो उसमें से एक वर्क है एसेंशियल शेक्सपियर, जो कि बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है, यानी कि ग्रेट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन हम कह सकते हैं, इंटरप्रिटेशन हम कह सकते हैं, या बच्चों हम कह सकते हैं लाइक एक तरह से इंटरप्रिटेशन होगी, पूरी तरह से इंटरप्रिटेशन, क्रिटिसिज्म है एक तरह से, क्योंकि क्रिटिसिज्म और कुछ नहीं बल्कि इंटरप्रिटेशन होती है राइटर की। करेक्ट बच्चों? चेंज बैकग्राउंड कलर, ज्योति बैकग्राउंड कलर तो बेटा मुश्किल है बदलना, ये अगली क्लास में हो सकता है, इसमें तो नहीं, पीपीटी इसमें बन चुकी है ना। तो क्या सब बच्चों को समझ में आया ये? हैव यू गॉट दिस? आंसर इसका क्या जाएगा बच्चों? बी जाएगा, सॉरी ए जाएगा, जे डोवर विल्सन। करेक्ट एवरीवन?
जी बच्चों, पेन का कलर चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल इसको हम चेंज कर देंगे। पेन का कलर मुझे बताइए कैसा लेना है आपको। कलर ऑफ द पेन हम ले सकते हैं यहां पे व्हाइट ले लेते हैं, है ना, व्हाइट कर लेते हैं बच्चों। देखो ये सही चल रहा है, ठीक है, व्हाइट दिख रहा है सबको सही से। अच्छा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, इसको हाँ व्हाइट ले लिया है, चलो कोई बात नहीं, व्हाइट दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सब बच्चों को। ओके बच्चों आगे बढ़े, तो आंसर हमारा ए जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज अ पोएम बाय, सबसे पहली बात तो है बच्चों पोएम है ये, आपको समझना है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जबरदस्त वर्क है ना, इमेजरी का भयंकर यूज किया गया है, तो बताओ किस राइटर ने यूज किया है, कमला दास, निसीम इजैकेल, डॉम मॉरिस या फिर ए के रामानुजन। अनिरुद्ध ने थ्री का बी आंसर दिया है, ओके वेरी गुड अनिरुद्ध, हितेन बी कह रहे हैं, वेरी गुड, सभी बच्चों ने आंसर कर दिया, जूली, रूबी, प्रीति, इसका मतलब बच्चों क्वेश्चन आसान भी है। निसीम इजैकेल है ना, अजू राइटर फ्रॉम इंडिया है ना, ब्रिटिश अमेरिका, ब्रिटिश लंदन में, तो इन्होंने क्या लिखा था, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, मुंबई में इनका जन्म होता है। तो बच्चों नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ऐसा जबरदस्त वर्क है जिसमें उन्होंने इमेजरी का यूज किया है, अनवांटेड फ्लाइज की तरह से लोगों का आना है ना, अगर हम इसको देखें तो ये कहीं ना कहीं ऑटोबायोग्राफिकल टिंच देता है। कैसा टिंच देता है, ऑटोबायोग्राफिकल, गेटिंग एवरीवन। बाकी सारी चीजें आपने इसके बारे में पढ़ी रखी हैं कि वहां पे कैसे कैसे अनवांटेड तरह से लोग आते हैं, जब इनकी मदर को कौन काट लेता है, एक स्कॉर्पियन है ना, और क्या क्या कहानी बनती है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हां जी ये टीजीडी का है, टीजीडी पीजीडी के सबके इकट्ठे हैं इसमें। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, हितेन फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री अगर हम देखेंगे तो वो चौसर है, CHAUCER, चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों हम, कमला दास डाइड इन, मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन अभी चल रहे हैं बच्चों पीजीटी वाले हैं, मतलब इस लेवल के क्वेश्चन हैं, और यही लेवल आपका टीजीटी का है ना, ये क्वेश्चन पीजीटी वाला है। कमला दास डाइड इन, ये किस ईयर में मरी, तो देखो आप देख सकते हैं 2009, 2008, 2004, 2005, तो बच्चों किस में आंसर करेंगे, ए आंसर, एग्जैक्टली बच्चों इट वॉज 2009, केरला से थी कमला दास, कमला सुरैया भी हम इनको कहते हैं, ये 2009 में डाइड हुई थी केरला में। और मैं आपको बता दूं बच्चों इनका जो सबसे जबरदस्त वर्क है माई स्टोरी, जो कि इनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड फेमस है, 88 कम से कम 88 लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया है, वर्ल्ड फेमस हम इसे कहेंगे, गेटिंग एवरीवन। तो कौन सा वर्क है 2009 का, इनका माई स्टोरी इनका वर्क है। तो कमला दास या कमला सुरैया है ना, इसको इनको पढ़ते हैं, करेक्ट बच्चों, आगे बढ़ते हैं, केरला से एग्जैक्टली। अगले क्वेश्चन कहते हैं चार्ल्स डिकेंस इज अ नॉवलिस्ट ऑफ, वेरी गुड क्वेश्चन, चार्ल्स डिकेंस बच्चों कहां पे आते हैं, अब मैं इसकी आपको एक लाइन बता देता हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। चार्ल्स डिकेंस अगर हम देखें आपका पीजीटी वाला, पीजीटी में आता है, यूपी पीजीटी में आपने देखा है ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन कहीं भी आ सकता है बच्चों। हमने किसकी कहानी बना रखी है कि विक्टोरियन में जो नॉवलिस्ट है उनको हम कैसे करेंगे, विक्टोरियन है ना, विक्टोरियन एज में जो नॉवलिस्ट हैं उसको हम कैसे करेंगे, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे कि चिकन खाके, चिकन का मतलब यहां पे डिकेंस से, चिकन खाके ठाकरे, THAKERY, ठाकरे इडियट हो जाता था, यानी इलियट हो जाता था, और रीड करता था, READE, रीड करता था ट्रॉलिप, ट्रॉलिप को, और वो भी किसके साथ, लिटन के साथ, LITON, समझ रहे बात को, लिट के करता था। तो आप देखो विक्टोरियन नॉवलिस्ट सारे हैं, चिकन का मतलब बच्चों किससे बन गया, डिकेंस से, DICKEN, चिकन खाके ठाकरे इलियट यानी इडियट हो जाता था और रीड करता था ट्रॉलिप, एंड यहां पे एक ब्रॉन्टी और है बच्चों, ब्रॉन्टी, BRO, ब्रॉन्टी सिस्टर आपको याद है, तो ट्रॉलिप एंड ब्रॉन्टी को, और वो भी लिट के, तो ये सारे आपके याद हो गए, यानी कि चार्ल्स डिकेंस हो गया, W.M. ठाकरे हो गया, T.S. इलियट हो गया है ना, जॉर्ज इलियट है यहां पे जो महिला है, जॉर्ज इलियट, और बच्चों चार्ल्स रीड हो गया, ट्रॉलिप, ब्रॉन्टी और आपके लिटन, ये सारे याद हो गए। तो अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन बनता है आप आसानी से कह सकते हैं कि ये विक्टोरियन एज के हैं, गेटिंग एवरीवन। पिक्चर क्लियर नहीं है निशी, आप एक बार बेटा अपना वो ठीक कर लो, क्या कहते हैं इसकी क्वालिटी को ठीक कर लो। तो
तो बच्चों समझ में आ रहा है, डी आपका आंसर है यहां पे, विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं हमारे नॉवलिस्ट जिनका नाम है ये, करेक्ट, चार्ल्स डिकेंस भी यहीं पे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, द बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट, वेरी गुड। मैं आपको बता दूं बच्चों, सोनेट जो कि 14 लाइंस की होती है, सोनेट जो कि 14 लाइंस की होती है, इसको बच्चों किस वर्ड से आया, सोनेटो, ये सोनेटो वर्ड से निकला है, जिसका मीन्स है अ लिटिल सॉन्ग। ये देखो सारे क्वेश्चन है अपने आप में, इसका मीन्स है अ लिटिल सॉन्ग, किसका मीन्स है, सोनेटो का। और बच्चों ये वर्ड कहां से लगता है कि जैसे इटली के सिसली आइलैंड से आया हो, तो सिसली आइलैंड वहां पे है, इसी से निकला है, तो यहां पे माना गया है बी, तो आंसर आपका क्या बनेगा, बी, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छे, ज्योति, एकता, रूबी, पिंकी, किरण, आरती। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अगर यहां पे एक आंसर होता ई, यहां पे बच्चों क्या होता आंसर, नन ऑफ द एबो, तो आप जानते हो क्या आंसर होता, आंसर ये होता। मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को, क्योंकि हकीकत यह है कि सोनेटो या सोनेट का कहां से ओरिजिन हुआ इसका पता ही नहीं है, इट इज अनोन, बस इस नाम से समझा जाता है कि यहां से। और सबसे पहले अगर हम देखें सोनेट को, यहां पे कुछ बच्चों ने लिखा भी, अनुरुद्ध ने लिखा देंते पेट्रार्क को हम सबसे पहले समझते, पेट्रार्क है ना, तो पेट्रार्क वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड दिस, हु प्रोवाइडेड दिस सोनेटो, यानी कि सोनेट 14 लाइंस। और ये 14 लाइंस कितनी कितनी लाइन में आगे बढ़ती है, ये जो बच्चों 14 लाइंस हैं, ये कैसे कैसे बढ़ती है, 8 लाइन के ऑक्टेव में और 6 लाइन के सेस्टेट में, तो ये तो आपकी बन गई मिल्टोनिक सोनेट, इसको आप क्या कहते हैं, मिल्टोनिक, या बच्चों आप इसे कहते हैं पेट्रार्कन, है ना, पेट्रार्कन या मिल्टोनिक, या इसी को आप कहते हैं, बताओ, इटालियन सोनेट, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। और अगर बच्चों ये 14 लाइंस आपकी 12 और 2 यानी कि लास्ट में कपलेट होगी आपकी, है ना, और ये 12 लाइन के चार लाइन के कि 3 क्वाट्रेन बनेंगे, तीन चार चार लाइन के होंगे, चार, तो ये आपकी कहलाएगी शेक्सपियरियन सोनेट। तो इसे शेक्सपियरियन या फिर एलिजाबेथन, या बच्चों हम इसको कहते हैं इंग्लिश सोनेट, समझ में आ रही है। तो शेक्सपियर ने जो फॉलोअप किया था वो बच्चों ये किया था, और इस सोनेट को यूके में किसने, मुझे बताओ कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, है ना, व्हाट एंड सरे, बोलो याद आ गया कि नहीं, WYAT, व्हाट एंड सरे, बोलो याद आ रहा है कि नहीं सब बच्चों को, तो व्हाट एंड सरे वाज बिहाइंड दिस, कि दे इंट्रोड्यूस इट इन इंग्लैंड, और फिर शेक्सपियर ने इसको लिया, इंग्लिश सोनेट बना एलिजाबेथ, तो इसमें बाद में कपलेट होती है, ये सबसे जबरदस्त बात है। तो 8 और 6 लाइन, यानी मिल्टन ने अगर मैं कहूं सोनेट 23, सोनेट 19, वो किसमें लिखी है, इस पर्टिकुलर वे में लिखी है, 8 और 6 के हैं, जबकि 12 और 2 यानी कि लास्ट में कपलेट देखोगे तो सीधे सीधे समझ जाओ आपको किसकी है, वो इंग्लिश यानी कि शेक्सपियर की सोनेट है। हां जी, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखो पीछे जो आपने वर्क किया है उससे अब आपका काम आसान हो गया है, अब आप आसानी से आंसर दे पा रहे हैं, राइट और नॉट राइट, और यही आपका वर्क बढ़ता रहेगा बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेमिंग्वेज वर्क। बच्चों हेमिंग्वे को मैं बता दूं, अमेरिकन राइटर है, यूएसए के 4 राइटर आपके पास आते हैं, एक आते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक आते हैं बच्चों विटमैन, एक आते हैं हेमिंग्वे, और एक आते हैं फॉकनर, FAULKNER। तो फ्रॉस्ट, विटमैन, फॉकनर, हेमिंग्वे, ये 4 राइटर आपके कहां के हैं, यूएसए के, मतलब आपके पीडीटी वाले कोर्स में जो आते हैं, पीडीटी में आपको हल्का फुल्का इनका पूछ सकता है, बट पीडीटी में तो ये पूछे जाते हैं जबरदस्त। तो इसमें 4 वर्क हैं, सन ऑल्सो राइजेस, फॉर हुम द बेल टोल्स, अ फेयरवेल टू आर्म्स, तो बताओ बच्चे इसमें से कौन सा है, सी आंसर दिया है आपने, फॉर हुम द बेल टोल्स, नो, जी नीलम, ओके, गुड इवनिंग बच्चों, अगर इसका आंसर देखेंगे तो आपको मूवी डिक जाएगा। देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, नोट कह रहा है। अब सब बच्चों को एक बात यहां पे देखनी है, जिस क्वेश्चन में आपका नोट हो तो उसे अलग से क्वेश्चन मार्क लगा लो, कि माइंड को उल्टा चलाना है, वरना इसको हम गलत कर देंगे। ज्यादातर बच्चों ने कैसे कर दिया, हाँ बच्चों, ये जो वर्क है मूवी डिक, ये किसका है, हरमन मेलविल का, ये बच्चों है हरमन मेलविल का, तो हरमन मेलविल ने लिखा था मोबी डिक, बाकी जो तीनों है, द सन ऑल्सो राइजेस, फॉर हुम द बेल टोल्स, अ फेयरवेल टू आर्म्स, ये सारे। और बच्चों ये फॉर हुम द बेल टोल्स वॉज रिटन एज अ वर्क बाई हेमिंग्वे,
और अगर इसी की मैं बात करूं तो इट वॉज अ पोएम बाय इट वॉज ऑल्सो पोएम बाय जॉन डन. देखते हैं कितने बच्चे जानते हैं इसको. जॉन डन हैड ऑल्सो रिटन इट एज अ पोएम. किसका किसका नाम यार? जॉन डन, जो कि मेटाफिजिकल के क्या थे बच्चों? ही वॉज द लीडर और द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री. याद आ रहा है? तो जॉन डन जो कहां पे आते? मेटाफिजिकल में, यानी कि किस जगह पे? प्यूरिटन के आसपास. उन्हीं ने लिखा था फोर ऑन द, और बाद में इसको हेमिंग्वे ने कब लिखा है? अब आके मॉडर्न एज में. राइट बच्चो? अच्छा नोट नहीं, हाँ आरती इसको ध्यान रखना है. तो सभी बच्चों को जी देना बेटा, आप इसकी क्लैरिटी को चेक कर लो इमेज के लिए. चलो मैं एक काम करता हूं कि कल इसका कलर चेंज कराता हूं. मुझे लग रहा है कलर में प्रॉब्लम है, जो बैकग्राउंड का कलर है उसको ठीक करा देंगे कल. डन बच्चों? तो आंसर हमारा क्या बन गया आपने? मोबी डिक. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. द लाइन, वेरी नाइस क्वेश्चन. द लाइन thou was not born for death immortal bird. Very nice question, has been asked in many exams. तो बच्चों किससे है? To skylark, the nightingale, or to a nightingale, darkish, darkling thrush. किससे आएगा? 8 का भी आंसर अनिरुद्ध ने दिया है. ज्योति ए. ओके ओके ओके, बताइए बच्चों. ध्यान से देखो, to skylark, the nightingale, or to a nightingale. हाँ अनिरुद्ध, अब आपका आंसर सी हो गया. ये करेक्ट बात है बच्चों, सभी ने करेक्ट आंसर. तो ओड टू अ नाइटिंगेल बिल्कुल सही है, इसी पे बनता है. और ओड टू अ नाइटिंगेल अगर मैं कहूं तो बच्चों किसकी है बताइए सब लोग? ओड टू नाइटिंगेल किसकी है? जॉन कीट्स की. जॉन कीट्स की बच्चों मैं बता दूं, जॉन कीट्स ने 6 ओड्स लिखी है, टोटल 6 ओड्स. देखो ये 6 ओड्स कैसे बना सकते हो? एक तो आपने ऐसे बना दिया, ये घड़ा है. ये क्या है बच्चों? घड़ा. इसको ग्रेशियन अर्न कहते हैं. इस ग्रेशियन अर्न पे यहां पे टेराकोटा में जो बना हुआ था, राजा रोजा के चित्र जो बने हुए थे वो सारे इसमें दिखाए गए हैं. तो अर्न बन गया. इस अर्न पे ऊपर कौन बैठी है? ये देखो बैठी है, ये बच्चों क्या बैठी है यहां पे? एक नाइटिंगेल बैठी है. ये बैठी है नाइटिंगेल. अच्छी लग रही है सबको? साथ में यहां पे मौसम कौन सा है? ऑटम का, AUTUMN, ऑटम का मौसम है. और बच्चों क्या है? ऑटम की वजह से लोगों में मिलनकली है, मिलनकली. ठीक है? और क्या है? एक यहां पे लोगों की ऑटम की वजह से साइकी चेंज होगी, PSYCHE, साइकी चेंज. 1, 2, 3, 4, 5 और एक बच्ची यहां पे, उसका नाम है बच्चों इंडोलेंस. इंडोलेंस भी क्या होता है? आलसीपन, है ना, आलसी होना. तो देखो ये सारी पोएम छह की छह. तो देखो ये ग्रेसियनन, इस पे बैठी ऊपर नाइटिंगेल, ऑटम का मौसम है, मिलनकली इसको आ गई है, साइकी चेंज होगी, इंडोलेंस में पड़े हैं. ये छह की छह ओड्स किसकी हैं? हमारे जॉन कीट्स की. तो अगर कभी भी आता है तो आप देख सकते हैं, इसी में से एक लाइन लिखे, दो वॉज नॉट बोर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड. याद रख सकते हैं सब बच्चे? तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. आगे बढ़ते हैं. माई हार्ट एक्स, बिल्कुल ठीक है. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. नाइन नंबर पे फिर से हमारा किसका क्वेश्चन है बच्चों? इट इज द क्वेश्चन फ्रॉम ग्रामर. मैस्कुलाइन फॉर्म ऑफ डक. इसका मतलब है आपसे मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन भी पूछा जाता है यूपी वाले एग्जाम में, खूब TGTPTT बोथ में. मैस्कुलाइन का फेमिनाइन क्या है और बच्चों फेमिनाइन का मैस्कुलाइन क्या है? जैसे यहां पर डक का पूछा है. डक का मीन्स बच्चों क्या होता है? बत्तख, है ना. तो आपको बत्तखा देखना है, एक सी हिंदी वे में कहेंगे हम, बत्तखा देखना है, यानी कि मेल बत्तख देखनी है. तो क्या ड्रॉन होगा, गेंडर होगा, गूज होगा या बच्चों ड्रेक होगा? एग्जैक्टली, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, इट इज ड्रेक. तो हम कहते भी हैं, अगर आपने कभी सुना हो, टू प्ले डक एंड ड्रेक, ये एक फ्रेज भी बनती है, टू प्ले डक एंड ड्रेक. तो आप जानते हैं इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है टू स्क्वेंडर. टू स्क्वेंडर टाइम एंड मनी का मतलब है फिजूल खर्ची करना, पैसे की भी और टाइम की भी. इसको प्ले डक एंड ड्रेक्स कहते हैं. तो ड्रेक, अगर गूज में कहूं बच्चों गेंडर का है, गेंडर और गूज आपस में क्या है? मेल फीमेल. ड्रोन का अगर मैं कहूं तो बी है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार, ये आई थिंक DSSB में आया था. ड्रोन का बी, मधुमक्खी जो होती है उसका नर क्या होता है? ड्रोन होता है, है ना. काफी आप देखते हैं आजकल ड्रोन इधर उधर चल रहे हैं, शादी में ड्रोन आते हैं कि सर्च करने के लिए ड्रोन हम रखते हैं. अगला क्वेश्चन है बच्चों idioms and phrases से. कितना जबरदस्त क्वेश्चन है idioms and phrases, आपको ध्यान रखने. To carry something out, तो इसका मतलब carry out का means आपको समझना है. अगर आप देखें तो बच्चों हमने अपनी क्लास में भी मॉर्निंग वाली में इसको किया, carry out. इसका means क्या होता है? To carry something out, बताओ. To do something, to bear something, to continue doing something, या फिर to delay something. सब बच्चे आंसर करें और मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा.
जी बच्चों बताइए बी आंसर. कुछ बच्चे कह रहे हैं टू बी आर समथिंग, ओके. कुछ डी कह रहे हैं, किरण ने डी कहा है. हाँ जी बी का ड्रोन है रीना, एग्जैक्टली डी सी. ओके ओके ओके. टू कैरी समथिंग आउट, महिमा ने सी कहा है, प्रीति ने सी कहा. टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, टू कैरी समथिंग आउट. देखो बच्चों आप इसको समझ रहे हैं, कैरी ऑन को. कैरी ऑन का मीन्स होता है, कैरी ऑन का मीन्स होता है जारी रखना, टू कंटिन्यू. तो आप उसी से देख रहे हैं गलत. ये क्या होगा, टू डू समथिंग, कुछ करना. टू परफॉर्म अ टास्क, इसका मीन्स होता है बच्चों टू परफॉर्म अ टास्क. तो थोड़ा सा डिफरेंट बन गया. तो आंसर आपका क्या जाएगा, ए जाएगा, टू डू समथिंग, टू परफॉर्म अ टास्क. समझ रहे हैं सब बच्चे. तो कैरी समथिंग आउट. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. वेरी नाइस क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर. मैं आपको बता दूं, अच्छा पहले तो ये बताओ ये बच्चों क्वेश्चन किसका है, मतलब ये ग्रामर में से कहां से क्वेश्चन लिया गया, किस पर्टिकुलर टॉपिक से लिया गया है. देखते हैं कौन बताता है. ये क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लिया गया है, देखते हैं कौन बच्चा समझ पाता है. क्वेश्चन है आपका, हरी इज गुड एट स्टडीज, डज नॉट ही. हां बिल्कुल सही है अंजलि, ये क्वेश्चन टैग से. बहुत अच्छे बच्चों. तो ये क्वेश्चन टैग से है. क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक सेंटेंस आपको देते हैं फिर उसका क्वेश्चन टैग पूछते हैं. तो बच्चों देखो, हरी इज गुड एट स्टडीज, तो इसमें डज नॉट ही. याद रखो हरी का ही बनेगा, क्योंकि हमेशा इसमें प्रोनाउन लगता है, सब्जेक्ट लगता है. लेकिन ये डज जो है ये गलत है बच्चों. यहां पे हेल्पिंग वर्ब जो भी होती है उसको हम यहां पे बनाते हैं. तो क्या बनाएंगे, इजंट, इजंट ही, है ना. और दूसरी बात ये, इज नॉट कभी नहीं लिखेंगे, हमेशा क्या लिखते हैं उसी शॉर्ट फॉर्म, इजंट, आरेंट. समझ रहे हैं सब बच्चे, इजंट, आरेंट, एमंट. एमंट ने लिखा रहता, आरेंट लिखा रहता उसका भी, ये आपको ध्यान रखना. तो आंसर इसका क्या बना, थर्ड में गलती है, तो सी आंसर हो गया. ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, इज नॉट ही, वेरी गुड. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. तो इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन टैग पे भी वर्क करना है यूपी एग्जाम के लिए. समझ रहे हैं आप लोग, बाकी बीएसएस बिजली के सभी एग्जाम में आता है. अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है. द ओड्स ऑफ कीट्स आर, जी बच्चों तो हम वापस आ जाते हैं अपने लेक्चर पे. व्हाट हैपेंड कि देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द नेटवर्क. अब दिख रहा है सब बच्चों को, हाँ जी, इसको कंटिन्यू करते हैं, कल से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. टुमारो वोट देयर वुड बी नो प्रॉब्लम लाइक दिस. तो बच्चों हमने यहां पे क्वेश्चन देखा, ओट्स ऑफ कीट्स आर, ओट्स कीट्स की है वो कैसी है, व्हाट काइंड ऑफ द ओट्स आर देयर. तो चेक करेंगे सब बच्चे, तो ओट्स हमने आंसर दिया इसमें सी बनेगा, बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर. वो जो सिक्स पोएम्स हैं, सिक्स ओट्स हैं बच्चों, वो कैसी हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर बोथ हैं. करेक्ट एवरीवन. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. वेरी गुड क्वेश्चन. द लाइन अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, है ना, अर्थ ही राइट प्लेस है लव के लिए. तो ये बच्चों रिटन बाय किसने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ, वॉल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एल्फ्रेड टेनिशन. मैं आपको इसमें क्लू देता हूं, 13 का सी आंसर दिया, वेरी गुड. कुछ बच्चे बहुत अच्छी तैयारी में, मुझे अच्छा लग रहा है. रीना, अनिरुद्ध जी, जी महिमा, बेटा महिमा देख सकते हैं आप सबका चल रहा है, अभी ठीक हो गया है. तो अगर मैं कहूं तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, और बच्चों लाइन आती कहां पे है, द बिर्चेस, द बिर्चेस, बिर्चेस के यहां पे पेड़ हैं, है ना, जबरदस्त पेड़ है बिर्चीज के. इनको कौन देखते हैं, इनको देखते हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कि इन बिर्चीज पे मैं कैसे चढ़ा करता था और कैसे कैसे हिलते थे, कैसे हवा आती थी एटसेट्रा. मतलब वो अपने एक तरह से बचपन में खो जाते हैं. तो अपने चाइल्डहुड की याद कौन करते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कहां पे इन बिर्चीज को देखते. इसी में लाइन है लास्ट में, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव. समझ में आ रहा है सब बच्चों को, हाँ जी. जिन्होंने एक और लाइन लिखी थी अगर आपको याद हो, है ना, स्टॉपिंग बाय वुड्स, याद आ रही है आपको, स्टॉपिंग बाय वुड्स, है ना, ऑन अ स्नोवी इवनिंग, के माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. मैं इसको बार बार कहता हूं, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. ये लाइन ये बच्चों इन्हीं की है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की. राइट एवरीवन. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है.
कमला दास पोएट्री कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब, कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका टीडीटी पीडीटी बोथ में कई बार पूछा गया है बच्चों। मतलब इसमें तीन ऑप्शन अलग हैं, एक ऑप्शन है आपका कन्फेशनल, ये आंसर आता है। कन्फेशनल का मीन्स होता है कन्फेस करने से, मतलब शी कन्फेस्ड व्हाटएवर शी डिड इन लाइफ, तो ये कन्फेशनल पोएट है। तो सबसे बढ़िया आंसर यहां पे बच्चों क्या आ जाता है हमारा, कन्फेशनल पोएट से। तो कमला दास की पोएट्री कैसी है, कैसे डिस्क्राइब की जाती है, एज अ कन्फेशनल। अच्छा महिमा आपका अभी भी नहीं चल रहा है, ओके ओके बेटा आपका नेटवर्क इश्यू होगा, ऐसा हो सकता है जी बच्चों, ठीक है जी। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा आप, कन्फेशनल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल एडवर्ब, एक सुटेबल एडवर्ब से इसको कंप्लीट करना है, सुटेबल एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज से कह रहा है बच्चों। तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, तो वेन आई हैड बीन यंग, When I was being young, when I am young, या when I was young, तो क्या आंसर करेंगे बच्चों? हाँ it might be बारिश हो रही है, बिल्कुल सही है बात रूबी। हाँ ऐसा कर सकते हैं आप, एक बार बंद करके इसको फिर से रिस्टार्ट करें अपनी क्लास को तो शुरू हो जाएगा, बिल्कुल जुली ये करेक्ट बात है बच्चों, डी आएगा। मैं आपको बता दूं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बच्चों बात होती है, यहां पे जो बताई गई है ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, तो बच्चे पास्ट की बात है, प्ले क्रिकेट मैं क्रिकेट खेला करता था, ये आप यूज टू से समझते हैं, यूज टू का मीन्स क्या हुआ, खेला करता था, पास्ट की बात है, तो ये पास्ट की बात में कैसे जुड़ेंगे, वेन आई वॉज यंग, वेन आई वॉज यंग। मैं आपको बढ़िया तरीका बता देता हूं कि कैसे आप निकालते हैं एडवर्ब क्लॉज को, वेन के आंसर से, वेन का क्वेश्चन बनाओ तो देखो क्वेश्चन है आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, क्वेश्चन बना कब खेला करते थे, तो आपने कहा वेन आई वॉज यंग, तो भाई पास्ट की बात यहां पे, तो यहां भी तो पास्ट की आएगी, तो आंसर क्या बन जाएगा, ये एडवर्ब क्लॉज बन गई है ना। तो हमारा आंसर आ गया बच्चों यहां पर डी फॉर डेली, वेन आई वॉज यंग, करेक्ट एवरीवन। हाँ कोई बात नहीं है, 16 नंबर दे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, देखो ध्यान से, ये भी उसी बात को बताए, टेल मी वेयर डू यू लिव, टेल मी वेयर यू लिव, टेल मी वेयर यू लिव वेयर, है ना, यू लिव वेयर, टेल मी वेयर यू लिव, बताइए कौन सा आंसर सही है। अच्छा इसमें एक और चीज देखेंगे बच्चों कि ये जो नीचे वाला है इसमें ये नहीं है, सिर्फ फुल स्टॉप है, यहां पे डिफरेंस क्या है कि बजाय क्वेश्चन मार्क के सिर्फ फुल स्टॉप है, आंसर कीजिए। ए आंसर दे रहे हैं सब बच्चे, प्रीति ने डी आंसर दिया है, इसका मतलब कुछ बात बन रही है प्रीति के माइंड में। सब बच्चे इसको बहुत ध्यान से समझेंगे जो मैं बता रहा हूं आपको। हां एक्सप्लोर टू एंजॉय, बिल्कुल डी आंसर है, एग्जैक्टली अनिरुद्ध, बी नहीं बेटा डी है। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, इधर देखो मेरी बात को, ये जो यहां पर पहले लिखा टेल मी, ये आपका एक सेंटेंस हो गया, ये कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है बच्चों, कैसी क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज। और जो आगे लिखा वेयर यू लिव, तो याद रखो जब प्रिंसिपल क्लॉज को से आप सबोर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं, तो ये जो वेयर लिखा है, जो कंजंक्शन है यहां पे सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसके बाद में सीधा सब्जेक्ट आता है ना, तो यू लिव आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आती है, कभी भी ऐसे नहीं आता वेयर वेयर यू लिव, और ये क्वेश्चन मार्क नहीं आता, फुल स्टॉप आता है हमेशा, का मतलब है ये बच्चों क्लॉज है। और क्लॉज में आपको बता दूं सबोर्डिनेट क्लॉज कैसे बनती है, डब्ल्यू एच वर्ड कह दो आप, या फिर आप कह दो यहां पे बच्चों कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद में बच्चों यहां पे वर्ब आती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, वर्ब पहले लगा देंगे डब्ल्यू एच के, तो वो क्वेश्चन वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो आंसर क्या बना आपका, डी। इस चीज को हम बार बार डिस्कस करते रहेंगे, ये बड़ी डेप्थ वाली चीज है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, डी, टेल मी वे, हाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा रीना, बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है, जो बच्चे क्लास में कर चुके हैं वो आंसर सही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं बच्चों, लिखा है द अक्रेंस ऑफ द सेम लेटर, द अक्रेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स क्या कहलाती है, एलिट्रेशन, एसोनेंस, हाफ राइम, राइम। हां जी एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, अनिरुद्ध बिल्कुल सही है, हाँ जी बच्चों एडवर्ब ओ प्लेस, जी जी हितेन ने आंसर दिया एलिट्रेशन, ओके ओके, अपूर्वा अपूर्वा ए जी, अपूर्वा मंडल बहुत अच्छे ए आंसर, रीना अरे सही है, तो सही कर दिया, एलिट्रेशन है
है ना, इसको कहते हैं श्लेष अलंकार शायद कहते हैं, या कौन सा कहते हैं, यही कहते हैं श्लेष अलंकार। अक्रेंस ऑफ द सेम लेटर ऑफ साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द एडजेसेंट वर्ड, तो सेम लेटर ऑफ साउंड का ये एलिट्रेशन बनेगा। डन बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ एल्यूमिनस, इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि आपके सिंगुलर और प्लूरल भी आते हैं, सिंगुलर का प्लूरल बनाना, प्लूरल का सिंगुलर बनाना, ये क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इसका भी आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी नाउन वाले फंक्शन को आपको देखना है जरूर। तो क्या बना अनुप्रास, अच्छा हाँ रीना अनुप्रास है, बिल्कुल ठीक है। तो बताइए बच्चों क्या बनेगा, एल्यूमिनसिस, एल्यूमिना, एल्यूमिनी या एल्यूमिनाइल। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे जूली एक्सप्लोर, बहुत अच्छे, ये आंसर बनेगा डी, है ना। एल्यूमिनस का मतलब है तो जो पुरानी फैकल्टी होती है उनका एल्यूमिनस बनता है, और एल्यूमिनाई होता है मतलब इसका प्लूरल। समझ में आ गया, ये आपको समझना पड़ेगा बच्चों। अब क्वेश्चन था 19, द फिगर ऑफ स्पीच इन ओ माय लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, बताइए बच्चों ये कहां, इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच है। लाइक आ गया है, लव को रेड रेड कहा जा रहा है, रोज की तरह से बताया जा रहा है, दो में कंपैरिजन हो गया, तो बच्चों क्या बनेगा। प्रीति ने ए आंसर दिया है, ओके ओके, एकता डी कह रही है, जूली, किरण, राजेश, बहुत अच्छे बच्चों, आंसर आपका बनेगा सिमली। सिमली का मतलब होता है कि इसमें हम दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं, दो की कंपैरिजन यानी तुलना होती है, और इसमें क्या होता है, लाइक और एज का यूज होता है, ये दो वर्ड हमेशा आएंगे, तो ये जो लाइक यहां पे लिखा है ये इस बात को बता रहा है, तो सिमली इज देयर, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों बनेगा, कल से और फास्ट करेंगे हम वर्क को। एन आयम्बस कंसिस्ट ऑफ, एक आयम्बस में क्या होता है, देखते कौन बच्चा बताता है। अगर आपने देखो पीछे हमने पिछली क्लास में जो टर्म्स की थी उसमें बनाया था आयंब क्या होता है, हमने बताया था बच्चों ट्रॉकी क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं, तो बताइए आयंब होता क्या है। ए आंसर, ओके, वन अनएक्सेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एक्सेंटेड। मैं बच्चों बता दूं 2013 के पीजीटी यूपी में क्वेश्चन आया, वो यूपी पीजीटी 2013 में क्वेश्चन है, जो कहते हो आयंबस, आयंबस कह लो या आयंब कह लो, एक ही बात है। ए आंसर, बहुत अच्छे, अनएक्सेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एक्सेंटेड, है ना। अनएक्सेंटेड का मींस क्या होता है, स्मॉल, स्मॉल सिलेबल। और ये जैसे मैं कह दूं आपको कंडक्ट, कंडक्ट, तो कंडक्ट में देखो कंडक्ट, तो आप ऐसे कहते हैं कंडक्ट। समझ में आ रहा है, एक्सेंटेड बाद वाला है, अनएक्सेंटेड पहला है, तो ये बच्चों किसका आंसर है, आयंबस का आंसर है, है ना। ऐसे ऐसे पांच जोड़ देंगे तो आयंबिक पेंटामीटर बन जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपके रहेंगे, होप के यू हैव एंजॉयड दिस, तो इसको लाइक करेंगे बच्चों, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मिलते हैं कल फिर एक ऐसे ही बढ़िया सेशन में, उसको और बढ़िया बनाते हैं, ठीक है। आपका साथ इसी तरह से रहेगा तो हम इसको और बेहतर कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी एंथुसिएज्म मिले आपके साथ में। हां जी बिल्कुल ठीक है, अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस, बिल्कुल सही अनुरोध अंकिता, करेक्ट बात होगी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, कल फिर मिलते हैं, तैयारी करके आए बढ़िया से, है ना, पढ़ पढ़ के आए, बस यहां पे आपको ये देखना है हम कितने पानी में हैं, और मैं जानता हूं आप पानी को तो हटा के रख देंगे, जबरदस्त पानी में है, करेक्ट बच्चों। ओके बाय बाय, जी रीना बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ ग्रेट टाइम।